हेलो एवरीवन, हम लोग पार्ट जावा कैलकुलेटर मेकिंग की सीरीज़ में हम लोग ने दो वीडियोस डाल रखे हैं और आपने वो देख लिए होंगे। अब हम लोग थर्ड वीडियो में जा रहे हैं ऐड करने कुछ बटन्स और कुछ चीज़ें। टेक्स्ट एरिया में अभी सेट नहीं है, मींस यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी हम लोग ने फिक्स नहीं करी हैं, उसको फिक्स करेंगे और नेक्स्ट वीडियोज़ के बाद जो वीडियोज़ आएंगे उसमें और भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करिए और चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ने जो ऐप्स बनाया ऐप बना रहे थे सॉरी ऐप नहीं जो भी कैलकुलेटर बना रहे थे उसमें एक प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। अभी अगर आपने उसको टेस्ट किया होगा तो कुछ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, जैसे कि करता हूँ मैं, एक बार रन कराता हूँ। यहीं तक थे हम लोग, सेट फॉन्ट कर लिया था हमने। जैसे कि एक प्रॉब्लम ये है, ये बढ़ता ही जा रहा है जैसे हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये छोटा चाहिए। तो फिर हमको क्या करना है, टेक्स्ट एरिया डॉट सेट लाइन रैप, इसको कर देंगे हम लोग ट्रू। अब देखते क्या होता है। देखा, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई। इतना तो ठीक था कि हमारा भी इस लाइन के आगे नहीं जा रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि लिखते टाइम ही नीचे चला रहा है, हमको इसको भी बंद करना है, रोकना है। तो टेक्स्ट एरिया डॉट सेट प्रिफर्ड साइज, मीन्स एक हमने इसका साइज फिक्स कर दिया। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जाना है डायमेंशन का, डायमेंशन क्लास का। तो इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास किया हमने डायमेंशन क्लास का, जिसकी हमने साइज डाला 3, मैंने कर रखा है तो मुझे पता है साइज क्या होगा। अगर आप इसमें अलग अलग साइज डाल के देख सकते हो, यहाँ पे आपको डायमेंशन मैंने यूज़ किया, तो यहाँ पे एक डायमेंशन का स्टेटमेंट भी इंपोर्ट किया है, तो इसको आप इंपोर्ट कर लीजिएगा। अब देखते रन करा के क्या वो चीज़ें फिक्स हो गई। 1 2 2 2 फिक्स हो गई। ठीक, हम लोग ने टेक्स्ट एरिया में लगभग चीज़ें भी फिक्स कर ली हैं, अब हमको बटन्स ऐड करने बचे हैं। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। कहाँ गया टेक्स्ट एरिया, सॉरी। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं बटन्स ऐड करने। बेसिकली बटन्स मीन्स ये जो चीज़ें बटन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 9 प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एंड इक्वल्स टू एंड सी, तो क्लियर बटन्स मीन्स। चलिए अब यहाँ पे बटन ऐड करते हैं। अब बटन ऐड करने के लिए हमको बटन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, 6 बटन्स इक्वल्स टू बटन। ठीक है, 1 इज इक्वल्स टू न्यू 6 बटन ओके। यहाँ पे फिर से एरर आई क्योंकि हमको इसका इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज। ठीक, हमने एक बटन ऐड करी, अभी एक ही बटन ऐड कर रहे हैं। अब इस बटन को हमें पैनल में ऐड करना पड़ेगा, तो पैनल में जाते हैं, पैनल डॉट ऐड बटन 1, देखते हैं क्या होगा, कुछ चेंजेस आए। बटन ऐड हो गई। ठीक है, अभी बटन ऐड हो गई है, अभी क्लिक तो कुछ नहीं हो रहा। अब हमें कितनी बटन ऐड करनी है, अब हमको कुछ इतनी बटन्स ऐड करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बटन्स ऐड करनी है। तो चलते हैं, अब हमको 16 बटन ऐड करनी है, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको 16 बार कॉपी करनी है, 4 बार हो गई, 4 8 4 12 4 16 वही करिए, एक और करना पड़ेगा। अब सारे नाम चेंज करते थे, बटन 1 बटन 3 बटन 4 बटन 5 बटन 6 बटन 7 बटन 8 बटन 9 बटन 0 बटन ऐड के लिए, बटन मल्टीप्लिकेशन के लिए, बटन डिवीजन के लिए, बटन सब्ट्रैक्शन के लिए और बटन एक इक्वल्स टू के लिए, और एक बटन हमें चाहिए किसके लिए, क्लियर के लिए। ठीक, इतनी बटन्स हमें ऐड करनी है, अभी सारी बटन्स हमको पैनल में भी ऐड करनी पड़ेगी,
इसे यहाँ से कंट्रोल सी किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ठीक, सबके नाम चेंज कर लेते हैं, button 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो कुछ नहीं होता, 0 होता है, एड मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन इक्वल्स एंड क्लियर ठीक। अब देखते हैं पैनल में क्या शो हो रहा है, पैनल में जब हमने बटन ऐड करी कि कुछ ऐसा शो हो रहा है, लेकिन हमें कुछ ऐसा नहीं चाहिए, हमें एक के नीचे एक चाहिए, थोड़ा अच्छा चाहिए, तो चलिए उसको भी फिक्स कर देते हैं। अब हमने बटन्स ऐड कर ली हैं, बटन्स को पैनल में ऐड कर लिया है, अब हमको हर बटन का एक साइज चाहिए, मीन्स एक अच्छा साइज चाहिए, उसके बाद हम उसको ऐड करेंगे, तो हर बटन का एक साइज फिक्स करते हैं। चलिए चाहे तो यहाँ करिए चाहे नीचे करिए, कोई डजंट मैटर। बटन वन का साइज फिक्स करने के लिए बटन वन डॉट सेट प्रीफर्ड साइज, ये भी मैंने पहले भी यूज़ किया, इसके अंदर पास होता है डायमेंशन का ऑब्जेक्ट, तो न्यू डायमेंशन का ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें डायमेंशन सेट करी। अब इसकी डायमेंशन मतलब क्या साइज चाहिए, इसका भी मैं डालता हूँ 3.23 लेंथ और विथ 20, इसमें स्पेलिंग सॉरी ठीक। अब देखते हैं बटन वन का साइज कैसे हो, अभी इसमें मैंने बटन वन का साइज सेट किया है, देखते हैं बटन वन कैसे दिख रही है, ये साइड में आ गई बटन वन थोड़ी, थोड़ा और इसको बड़ा करना पड़ेगा, बटन वन का भी छोटी है और बहुत छोटा ही कर दिया मैंने, 80 देते हैं। अब देखते हैं बटन वन कैसे दिख रही, अब काफ़ी सही दिख रही है, थोड़ा चौड़ा भी कर देते हैं इसको, 40 कर देते हैं, अब और सही दिख रही है ठीक है, यही साइज हमको चाहिए। अब चलते हैं बाकी सारे एप्लीकेशन क्लोज करते हैं, अब यही साइज हम सारे बटन्स में डालना चाहते हैं, 1, 2, 3, 4। अभी तो हम लोग यहाँ पे बटन वन हर सारी बटन्स लिख रहे हैं, जब हम लोग और आगे देखेंगे तो हम लोग इस कोड को ऑप्टिमाइज़ करेंगे छोटे कोड में, तो उस टाइम ये कोड बहुत छोटा हो जाएगा, अभी ये लंबा हो रहा है, उस टाइम हम सारे कोड्स को क्या करेंगे ऑप्टिमाइज़ करेंगे, जहाँ पे एरे यूज़ करना हुआ एरे यूज़ करेंगे, अभी तो हम लोग एरे नहीं यूज़ कर रहे हैं, अभी तो सिंपल से चल रहा है, बाद में हम लोग इस कोड को छोटा करेंगे। बटन सब्ट्रैक्शन, बटन डिवीजन, बटन मल्टीप्लिकेशन, बटन इक्वल्स, बटन क्लियर, बटन ऐड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्लियर, अब क्या बच रहा है, सब तो ज़्यादा लिख दिए क्या मैंने, डिवीजन इक्वल्स क्लियर, हाँ दो बटन ज़्यादा डाल दिए, इसको हटाते हैं, अब देखते हैं क्या दिख रहा है, बढ़िया। अब हमको क्या मिल गया, एडिट टेक्स्ट मिल गया और इसमें हमने सारी बटन्स ऐड करनी, लेकिन अभी बटन्स पे कुछ लिखा नहीं है, मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 कौन सी बटन कौन सी है, तो चलिए यहाँ पे सेट करते हैं। आप चाहो तो बटन्स में इमेज ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इमेज नहीं ऐड कर रहा, बटन्स में एक स्ट्रक्चर में मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, ये स्ट्रिंग क्या करेगी उस बटन पे लिख देगी जो यहाँ पे मैं पास करूँगा, तो मीन्स यहाँ पे 5 पास किया तो उस पर 5 लिखेगी, जिसमें 6 पास किया उस बटन में 6 लिखेगा, जिसमें 7 पास किया उसमें 7, जिसमें 8 पास किया उसमें 8, जिसमें 9 पास किया उसमें 9, 0 ठीक है। ऐड में क्या करना है, एक ऐड का सिंबल पास कर देते हैं, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई का सिंबल, डिवीज़न में डिवीज़न का सिंबल, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन का सिंबल, इक्वल्स में इक्वल्स का सिंबल और क्लियर में सी पास कर देते हैं। अब देखते हैं कुछ सही दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे। हाँ ये प्रॉब्लम अगर आप लोगों बेसिक्स जब स्टार्टिंग में पढ़ा होगा तभी पढ़ाया जाता है ये, कि अगर आपको एक बैक स्लैश शो करना है तो वहाँ पे आपको दो बैक स्लैश लगाने पड़ते हैं। अब दो बैक स्लैश देखिए प्रॉब्लम चली गई, यहाँ पे अब रन कराते हैं, अब सही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ± (MDC). लेकिन अभी हमें थोड़ा यहाँ पे अरेंज करना है, 9 हमको यहाँ नहीं, 9 के बाद यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो चलिए ऐड करने का तरीका थोड़ा चेंज कर देते हैं। 9 के बाद हमको क्या चाहिए था, एडिशन चाहिए था,
अब सब ठीक है? और भी कुछ चेंज करना था उसमें हमको? नहीं, अब ठीक लग रहा है। अब देखते हैं क्या चेंज हुआ। सही है, 9 0 + 0 × (-) = और ये क्लियर। एक काम करते हैं, क्लियर को यहाँ ले आते हैं, प्लस इक्वल्स टू को यहाँ ले आते हैं। चलिए, इन क्लियर को बाद में रखना है, पहले रखना है, और इक्वल्स को बाद में। अब देखते हैं। सही है, एकदम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सही है, एकदम बढ़िया ब्लू प्रिंट बन गया हमारा। अब यहाँ तक इस वीडियो में, फिर यहीं तक रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी हम बटन्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे 1 2 3 जो भी लिख जाए वो लिख जाए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, मीन्स वेट क्या करिए, कल ही तक मैं डाल दूंगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि और भी लोग ये ट्यूटोरियल्स देख सकें और सीख सकें। तो अब तक के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।